हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं फेक ऐप्स को डाउनलोड करना। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में कई सारी ऐसी फेक ऐप्स हैं जिन्हें हमें डाउनलोड करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गूगल में प्ले स्टोर और एप्पल में ऐप स्टोर हमें मिलता है अगर हम कोई भी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर होता है बिल्कुल सिक्योर, पर फिर भी उनमें कई ऐसी ऐप्स होती हैं जो हमें डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, या वो फेक हो सकती हैं या उनमें हो सकता है एक वायरस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं उन्हीं टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप एक फेक ऐप को डाउनलोड करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एक ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने से पहले, वो ये है कि हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ऐप के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप एक ऐप डाउनलोड कर रहे हो, हमेशा उसके नाम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ऐप का नाम कॉपी किया गया होता है एक पॉपुलर ऐप के नाम पे। जैसे मान लीजिए WhatsApp एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, तो आप अगर WhatsApp सर्च करेंगे तो आप उसके नाम की कई डिफरेंट ऐप्स भी देखेंगे। मतलब दोस्तों, इसका यह है कि वो फेक ऐप बिल्कुल ही एग्जैक्टली WhatsApp जैसी सेम नहीं हो सकती, बट वो उससे मिलती जुलती होगी जो आपको धोखा दे सकती है। तो दोस्तों, इसमें आपको उस ऐप की स्पेलिंग चेक करनी है, क्योंकि कई बार WhatsApp की जगह WhatsApp या कुछ ऐसे नाम चेंज करके ये ऐप्स अपना नाम रखती हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और ओरिजिनल ऐप की जगह फेक ऐप डाउनलोड कर लें। स्पेलिंग के साथ साथ आपको उस ऐप के लोगो और कलर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि WhatsApp जैसी ऐप का जो लोगो है वो ग्रीन कलर का है, तो ये फेक ऐप्स भी उसी लोगो के आसपास अपना लोगो क्रिएट करते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और इनकी फेक ऐप्स डाउनलोड कर लें। दोस्तों, असल में होता यही है कि जो ओरिजिनल ऐप होती है उसी को देख के थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क करके ये फेक ऐप्स बनाई जाती हैं ताकि आप लोग धोखा खा जाए और ओरिजिनल ऐप की जगह फेक ऐप डाउनलोड कर ले, जो बहुत ज़्यादा बाद में खतरा बन सकता है आपके लिए, क्योंकि इन ऐप्स में हो सकते हैं कुछ ऐसे वायरस जो आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो हमेशा एक ऐप डाउनलोड करने से पहले उसका नाम, नाम की स्पेलिंग, लोगो, कलर और छोटी मोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। अब दोस्तों, जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक फेक ऐप डाउनलोड करने से बचने के लिए, वो ये है कि हमेशा जो डेवलपर का नाम है, जी हाँ दोस्तों, हर ऐप का एक डेवलपर होता है, मतलब जिसने वो ऐप को बनाया, क्रिएट किया, उसका नाम हमेशा ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो दोस्तों, जब भी आप एक ऐप डाउनलोड करें तो हमेशा डेवलपर नेम पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों एक ही नाम पर आपको कई बार कई सारी ऐप्स मिल जाएंगी, पर उसमें से ओरिजिनल कौन सी है हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बार जाके डेवलपर नेम चेक कीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपर नेम भी बिल्कुल सेम रखा हो, पर दोस्तों उसमें भी आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो कई बार कुछ लेटर्स के बीच में स्पेस दी होगी या कोई स्पेशल साइन या सिंबल फेक ऐप्स वाले डाल देते हैं, जिससे आपको लगे कि अरे ये तो नाम सेम है, पर असल में अगर आप ध्यान से नाम को देखेंगे तो उसमें आपको 10% डिफरेंस दिख जाएगा, जिससे आप फेक ऐप्स के डेवलपर को पकड़ सकते हैं और उन ऐप्स को डाउनलोड करने से बच सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इसमें कहना यही था कि डेवलपर नेम को ध्यान से पढ़ के ही ऐप को डाउनलोड करें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। अब दोस्तों, तीसरी चीज़ जो आपको एक फेक ऐप डाउनलोड करने से बचाती है, वो ये है कि हमेशा ऐप्स की रिव्यू और रेटिंग को पढ़ें। या दोस्तों, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक बार पहले उसकी रेटिंग्स और रिव्यूज़ को पढ़ लें, क्योंकि जो लोग गलती से बेचारे ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और फंस जाते हैं या कोई दिक्कत में पड़ जाते हैं या उनके फ़ोन में वायरस आ जाता है, तो वो वहाँ पे रिव्यू करके दूसरे लोगों को सचेत कर देते हैं कि इन ऐप को डाउनलोड ना करें। तो अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो अगर आप पहले रिव्यू पढ़ लेते हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि मैक्सिमम लोगों ने अगर सेम चीज़ या सेम प्रॉब्लम उस रिव्यू में बताई है तो मतलब उस ऐप में हो सकता है खतरा, और ऐसी ऐप से आपको बचना चाहिए। और दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू से ये भी मदद मिलती है कि कई बार ऐप डेवलपर कहते कुछ हैं और ऐप में अंदर निकलता कुछ है,
तो ऐसे में जो लोग धोखा खा के ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं वो रिव्यू के थ्रू दूसरे लोगों को भी अलर्ट कर देते हैं, तो रिव्यू पढ़ने से आप ऐसी फेक ऐप से बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। अब दोस्तों चौथी टिप जो आपको ध्यान देनी है एक ऐप को डाउनलोड करने से पहले, वो ये है कि हमेशा फ़ोन में एंटीवायरस डाउनलोडेड रखें। जी हाँ दोस्तों, एंटीवायरस आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप एक अच्छी ब्रांड का एंटीवायरस अपने फ़ोन में डाउनलोडेड रखें। इससे ये होगा कि मान लीजिए आपने गलती से कोई ऐप डाउनलोड कर भी ली और उस ऐप में अगर कोई खतरा निकलता है तो ये एंटीवायरस आपको अलर्ट कर देता है पहले ही कि भैया इस ऐप में वायरस हो सकता है या वायरस है, और इस ऐप को फटाफट से अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो हमेशा अपने फ़ोन में एक एंटीवायरस इंस्टॉल्ड ज़रूर रखें। अब दोस्तों पांचवी और आखिरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है एक फेक ऐप डाउनलोड करने से बचने के लिए, वो ये है कि कभी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर, जी हाँ दोस्तों ये अलग ऐप स्टोर बनाए गए हैं जो कि एक्सटर्नल तरीके से डाउनलोड होते हैं, मतलब गूगल से आपको इन्हें डाउनलोड करना होगा, तो ऐसा भूल के भी मत कीजिए। कभी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड मत कीजिए कोई भी ऐप। जी हाँ दोस्तों, उन ऐप स्टोर में काफ़ी खतरा हो सकता है क्योंकि वो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, और दोस्तों उन ऐप स्टोर में कोई भी अपनी ऐप्स डाल सकता है क्योंकि वो एग्जामिन नहीं की जाती हैं। तो ऐसे थर्ड पार्टी स्टोर से भूल के भी कोई ऐप्स डाउनलोड ना करें और अवॉइड करें गूगल के थ्रू कोई भी ऐप डाउनलोड करना। तो दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमेशा गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें क्योंकि वहाँ पर 99% ऐप्स जो हैं वो फुली सिक्योर्ड है और पहले उन्हें टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद ही उन ऐप्स को प्ले स्टोर में डाला जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हुए साइबर क्राइम और ऑनलाइन स्कैम के बाद हमारे पास बस यही एक ऑप्शन रह गया है कि हम खुद को जितना हो सके उतना सेफ रखें, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इससे पहले कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो या कोई वायरस आए या हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो या इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, इससे बेटर है कि हम अननोन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड ही ना करें जिससे हमारे फ़ोन में खतरा हो सकता है। तो जो मैंने आपको पांच तरीके बताए उन तरीकों को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप एक ऐप डाउनलोड करने जा रहे हो, और कोई भी ऐप जिन पे आपको थोड़ा सा भी शक हो उन्हें एक बार एग्जामिन करके ही डाउनलोड करें अपने फ़ोन पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्योंकि मैं हर टेक रिलेटेड सवाल का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों अब लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा कल फिर एक नए अपडेट एक नई खबर के साथ, तो चलता हूं, जय हिंद और वंदे मातरम।